बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ मॉस प्लांट। मॉसेस आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स बिलोंगिंग टू फाइलम ब्रोफाइटा। दे ट्रेन टू लिव इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट। दीज स्पेशलाइज्ड प्लांट डोंट हैव फ्लावर्स रूट्स। दीज आर सीडलेस प्लांट। देयर आर टू लाइफ स्टेजेस दैट मॉसेस गो थ्रू। द फर्स्ट वन इज हैप्लॉइड, द सेकेंड वन इज डिप्लॉइड। बोथ आर मल्टी सेलुलर। Haploid has male and female plant and reproduce sexually, while diploid has only one sporangium which reproduces asexually. This changing between haploid and diploid known as what alternation of generation? What we call alternation of generation? The male and female gametophyte produce haploid gametes which fruit to form zygote and rise to diploid sporophyte. The diploid sporophyte then produce a haploid spores gametophyte and germinating to the haploid gametophyte. So let's discuss. First of all, this is gametophyte. Gametophyte se kya produce? Hamesha gametophyte se gametes niklenge. Aur sporophyte se kya niklenge? Spores niklenge. सो गैमेटोफाइट से जब गैमेट्स निकलेंगे, ये हमारी कौन सी स्टेज होती है? ये हमारे है हैप्लॉइड स्टेज। गैमेटोफाइट से क्या निकलेंगे? गैमेट्स। और वो गैमेट्स आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे जैगर्ड में। जब वो जैगर्ड कंडीशन में आ जाते हैं, वहाँ पर होती है मियोसिस। जब मियोसिस के बाद वहाँ पर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है। उस स्पोरोफाइट के अंदर एक स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें प्रेजेंट होते हैं स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स मदर सेल भी कहे जाते हैं। उस स्पोर्ट्स के बाद जब वो जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो जो मैच्योर हो जाते हैं, जब वो स्पोर्ट्स मियोसिस के थ्रू जो मियोसिस होती है वो जब बाहर निकलते हैं, फिर उन स्पोर्ट्स में होती है माइटोसिस। जब वो माइटोसिस के बाद वो फिर से ही गैमेटोफाइट कंडीशन में आ जाते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट क्या आ जाते हैं? फर्स्ट गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होते हैं? गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड। यहाँ हमने गैमेटोफाइट ले लिया। गैमेटोफाइट से क्या निकलेंगे? गैमेट्स निकले। वो गैमेट्स आपस में क्या हो गए? फ्यूज हो गए। वो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं? वो फ्यूज़ होकर आपस में बनाते हैं जैगर। उस जैगर से जब माइटोसिस होती है, और उस माइटोसिस में क्या जैगर जब माइटोसिस होती है, यहाँ पर अब निकलेगा स्पोरोफाइट। वो स्पोरोफाइट में होगी क्या? स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस। मियोसिस उस मियोसिस के बाद वो जो स्पोर्ट्स होते हैं वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्पोरोफाइट वापस ही गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस हाउ। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें कि फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक हमने मैच्योर स्पोरोफाइट लिया हुआ है, सॉरी गैमेटोफाइट। यहाँ पर आप एक अगर आप देख लें, यहाँ पर एक मैच्योर गैमेटोफाइट है जिसका एक प्लांट फीमेल है, जिसको हम आर्चिगोनियल भी कहते हैं, और एक होता है एंथ्रीडियल जो मेल का पार्ट है। यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ये फ्यूज़ हो रहे हैं। फ्यूज़ होने के बाद अगर आप जूम करके इसको देखेंगे, तो फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पर जैगोट की कन्वर्जन हो रही है। जहाँ पर वो जैगोट है वहाँ पर उस एरिया को हम कहते हैं वेक्टर। और उसके बाद जब जैगोट कन्वर्ट हो जाता है, अब जैगोट में क्या हो रही है? वहाँ पर एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद उस स्ट्रक्चर से हमारे यहाँ क्या निकला? स्पोरोफाइट निकलेगा। उस स्पोरोफाइट के कौन कौन से की स्ट्रक्चर होते हैं? एक होता है फुट, दूसरा होता है उसके स्ट्रक्चर को कहते हैं सीटा, एंड एक होता है कैप्सूल, जिसमें सारे स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देख लें कि जब ये जब मैच्योर हो जाता है स्पोरोफाइट, इस स्पोरोफाइट इस कैप्सूल से क्या चीज़ें निकलती है? इस कैप्सूल से निकलते हैं हमारे स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं? वो होते हैं मियोसिस, क्योंकि यहाँ पर होती है मियोसिस कंडीशन। वो स्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं? वो एक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा, वो एक स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और वो जब प्रोटोनिमा जब स्ट्रक्चर होता है, जब वो जब प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है फिर से यंग गैमेटोफाइट में, तो एक आ जाता है मेल पार्ट और एक आ जाता है फीमेल पार्ट। फिर ये सेम एज इट इज़ वही स्ट्रक्चर आ जाता है कि एक फीमेल पार्ट होता है और दूसरा मेल पार्ट। अच्छा अगर मैं आपको, पहले हमने ले लिया एक मेल पार्ट, दूसरा फीमेल, जब ये आपस में फ्यूज हुए क्या बना, जैगोर बना। जैगोर में जब अर्ली एम्ब्रियो स्टेजेस में जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, यहाँ पर हमारा एक स्पोरोफाइट जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है कैसा, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इसके ये लीफी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं यह कैप्सूल। इसकी हम स्टॉक को कहते हैं सीटा। एंड लोअर पार्ट उसका होता है फुट। ठीक हो गया, ये थ्री पार्ट्स किसके हैं, ये हैं स्पोरोफाइट के। इस कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। जब ये स्पोर्स से, जब यहाँ पर म्यूसिस होती है, ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं। इन स्पोर्स से एक वेजिटेटिव पार्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा एक स्ट्रक्चर होता है। इस वेजिटेटिव पार्ट से कौन से, इस बर्ड से गैमेटोफाइट से स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट करते हैं। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ये सारे हो गए मैच्योर। और यहाँ पर क्या है, राइजोइड्स प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें रूट्स वगैरह नहीं होती, तो राइजोइड्स क्या कहते हैं, पानी के एब्जॉर्प्शन में इनके हेल्प करते हैं। एज इट इज़ वही फिर लाइफ साइकिल आ जाती है कि एक मेल का पार्ट और फीमेल आपस में फ्यूज हो रहे हैं, एज इट इज़ सेम उनके फिर जैगोट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैगोट के बाद फिर उसमें जब अर्ली स्टेज एम्ब्रियो स्टेज में चले जाते हैं तो वहाँ पे स्पोरोफाइट की जर्मिनेशन होती है। स्पोरोफाइट से जब मियोसिस होती है तो फिर एक प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर बनता है। एक प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर से दो गैमेटोफाइट निकलते हैं।